आज मतदान हो रहा है, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में? अधिक से अधिक लोग आए इसके लिए हम लोग जल्दी आए, ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए, हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, ऐशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं, एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं, बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, बाहर निकल के आके अकेले वोट देने आएंगे। आप भी उम्मीदवार हैं और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार हैं और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं, ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना नीचे कैमरा लोग सब लोग 400 पार का सपना, 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं, लोग प्रभावित है मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना, ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो मत इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। ईशा जी आपका, ईशा जी आपका, ईशा जी आपका, आप भी मतदान करना है पहले, तो आप आम जनता से क्या अपील करेंगे पहले भाई? मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने भी मतदान किया और वो अपने पति के साथ पहुंची, साथ ही संदेश भी दिया कि सभी को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए, अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सहयोगी ने मालिनी अवस्थी से बातचीत की, क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। लखनऊ के क्या मुद्दे हैं इस बार, सांसद जी से कितना खुश है? लखनऊ तो मुझे लगता है हमेशा से एक बहुत शालीन और एक तय राय लखनऊ की काफ़ी सालों से रही है, यहाँ कमल खिलता है हर बार मुझे क्या, और यहाँ पर चूँकि रक्षा मंत्री जी यहाँ के सांसद है, जो अपने आप में बहुत एक गरिमामय बहुत एक शालीन व्यक्ति हैं, तो वो यहाँ के सांसद है, और ये एक देश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक देश का सबसे प्रमुख शहर होने के नाते यहाँ के सांसद की एक अच्छी नुमाइंदगी है, तो उसको लेकर के मुझे लगता है थोड़ा सा जो एक शालीनता शहर के मिजाज में है वो यहाँ वोटिंग में भी है। आप देखेंगे कि आदमी बात नहीं करता, बस वोट डाल के चला रहता है, और मुझे लगता है कि यही उम्मीद है कि सांसद और तरक्की करे, यहाँ से जो भी चुना जाए वो देश के कैबिनेट में हो और काफ़ी ऊंचाई पर जाए। आप अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करती रही, कैंपेन से भी जुड़ी रही हैं हमेशा से, आज लखनऊ या उत्तर प्रदेश या देश भर के लोगों को क्या? मैं यही कहूँगी कि आज मतदान है देश की एकता का, देश की संप्रभुता का, देश के मतदाता की जी जी विशा का, तो सब एक हों, एक होकर जात पात से ऊपर उठकर देश आगे जाए। अब चल पड़ा है देश, उसको तरक्की न रुकने पाए, उसके लिए आप बाहर आए, घर से बाहर निकले, इतनी भी गर्मी हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बिल्कुल न घबराए, क्योंकि 5 साल अफसोस न रह जाए, इसलिए घर से निकल के वोट जरूर डालें। सर क्या अपील करेंगे?